हाँ नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ ऑन एंड ऑन का एक महाभृंगराज हेयर ऑयल है। तो इसके पहले मैंने हेयर जोन की एक वीडियो बनाई थी, तो जिनके बाल झड़ गए थे ये वो तेल उनके लिए था जिनके पास झड़ गए हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिनको जिनके बाल झड़ रहे हैं उसे रोकने के लिए क्या करें। तो जो मैंने हेयर जोन बनाया वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जिनके बाल झड़ गए हैं वो उनके ग्रोथ के लिए थे, और ये जिनके झड़ रहे हैं ये उसके लिए है, उसे रोकने के लिए ये ऑन एंड ऑन का तेल है। तो ये महाभृंगराज ऑयल है, हेयर ऑयल है, और ये इसको मेनली है जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिनके बाल झड़ते हैं और जिनके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, और ये तेल डैंड्रफ कंट्रोल करता है, और जिनके बाल पक रहे हैं उसको रोकने के लिए ये है। तो काफ़ी कमेंट आए थे मेरे पास कि आप सर ऐसा तेल लाइए, जो कमेंट में काफ़ी मेरे ज़्यादा आ रहे हैं कि ऐसे तेल लाएं जो डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो और पके हुए बाल के गैंग्रीन की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं ये तेल लाया हूँ। तो इसकी MRP की बात करते हैं तो 380 रुपये हैं, थोड़ा डिस्काउंट भी करा। ये बेस्ट विद इन 2 ईयर ऑफ द डेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो देख लीजिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो 2 साल से पुराना ना हो। और ये मेड इन इंडिया ऑयल है, कहीं फॉरेन का है नहीं। अगर आपको कुछ सस्ते में चाहिए होगा तो महाभृंगराज का एक पतंजलि का ऑयल होता है, मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। तो फिलहाल मैं इसका बता रहा हूँ, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है 200 ml है, टोटल कैपेसिटी 200 ml का है, और प्राइस है 280 रुपीज़। तो इसको मैं थोड़ा ओपन करके दिखा रहा हूँ तेल का कलर कैसे है। तो तेल ऑयल का जो कलर है लाइट येलो है, और काफ़ी अच्छी खुशबू है। आपको सर में लगाने के बाद ये नहीं लगेगा कि बहुत बुरी स्मेल आ रही है, तो खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। और जो इसकी बॉटल के अंदर है महाभृंगराज की कुछ जड़ें अंदर पड़ी हुई हैं पूरी बॉटल में, और तेल है और काफ़ी लाइट तेल है, काफ़ी चिपचिपा हुआ तेल नहीं है। तो फ्रेंड इसको लगाने के आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको लगाने का मैं तरीका बता रहा हूं। तो आपको ये अपने हाथ में तेल लेना है, और जो फिंगर टिप होती है उंगली का ऊपर पोर्शन आपको इससे लेना है, और जैसे कि सपोज दैट आपका हेयर की जो जड़ें होती हैं, क्योंकि बाल काफ़ी बड़े होते हैं, अगर आप ऐसे लगाते हैं पूरे पाम में लगाते हैं तो तेल आपके खाली बालों में ऊपर लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका, और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, बेस्ट तरीका यही है, आप अपने फिंगर टिप पे लीजिए और अपने हेयर के जड़ों में सर्कुलर मोशन में आराम से गोल गोल राउंड राउंड शेप में, और ऐसे ऐसे दबा दबा के आप अपना मसाज करिए। तो ये अच्छे तरीके से अपने बालों पर लगा के कम तो अच्छे तरीके से बालों के, कहने का मतलब ये है फ्रेंड, बालों के जड़ों में तेल अच्छी तरह से मसाज करें कम से कम 5 मिनट, जब लग जाए तो कम से कम उसको 2 घंटे आप 2 आवर के लिए छोड़ दीजिए। 2 आवर छोड़ने के बाद आप शैम्पू से नहा सकते हैं, और मेनली अगर जिनको तुरंत नहाना नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, तो रात में लगा के सोएं, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, और सुबह आप नहा के अपना जो भी वर्क करना है, ऑफिस जाना है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तेल है महाभृंगराज, और ये पूरी तरह से नेचुरल, और मेनली महाभृंगराज हेयर फॉल के लिए यूज होता है, और जिनके बाल पतले हैं उन सब के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना मत भूलिए।